दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया के ऐसे कम ही गेंदबाज हुए जो अपने डेब्यू गेंद पर ही विकेट हासिल किया हो। आज हम आपको पांच ऐसे ही गेंदबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने ये कारनामा वनडे क्रिकेट में हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, पहले बात करते हैं वेस्टइंडीज के दिग्गज तेज गेंदबाज क्लाइव लॉयड, जो अपने डेब्यू बॉल पर इंग्लैंड के बल्लेबाज को अपना शिकार बना लिया था, जिसके बाद वे वनडे डेब्यू बॉल पर विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज इजमामुल हक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले ही गेंद पर उन्होंने विकेट झटक लिया था। दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने इस लिस्ट में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। फिर आते हैं भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ साल 2012 में वनडे डेब्यू किया था और इस मैच में उन्होंने पहली ही गेंद पर पाकिस्तानी बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिया था। इसी के साथ वो वनडे में भारत की तरफ से ऐसा कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। दोस्तों, आपको बता दें कि वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज कीमो पॉल ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था, जिसमें कीमो ने अपनी पहली ही गेंद पर जावेद अहमदी को आउट कर दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों श्रीलंकाई गेंदबाज के बारे में, तो वो है महेश तीक्ष्णा, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साल 2021 में आर प्रेमदासा स्टेडियम में अपना डेब्यू मैच खेला था। और दोस्तों, इस मैच में तीक्ष्णा ने अपनी पहली ही गेंद पर साउथ के जानेमन मलान को अपना शिकार बनाया था। तो दोस्तों, आपको इसमें से सबसे बेहतरीन बॉलर कौन सा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।